नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे AIMIM संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए मुस्लिम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में राजद्रोह के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की। गुरुवार को AIMIM के जिलाध्यक्ष मोहीउद्दीन एडवोकेट की अगुवाई में पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर बताया कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन कुछ कतिपय लोग देश में हर समय सांप्रदायिकता और जाति पाति के विभेद कर देश को कमजोर करना चाहते हैं। उसमें से एक नरसिंहानंद है जो डासना मंदिर का पुजारी है। उसने सारी हदें पार करते हुए मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे मुस्लिम व न्यायप्रिय लोग आक्रोशित हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना न्याय संगत है। क्या मांगे हैं और किस तरह से ये ज्ञापन जो है गुस्ताख नबी नरसिंहानंद, जो कि सारी हदों को पार कर गया और इसके पहले भी इस तब तक बारे में वो बहुत पहले से गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है। हम लोगों का शिक्षण के हिसाब से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हर धर्म की इज्जत किया जाए, सांप्रदायिकता की बातें ना की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबके साथ एकता का बर्ताव किया जाए। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि नरसिंहानंद ना इतनी बातें कर रहा है, अभी तक जेल नहीं गया। 20 करोड़ यहाँ का मुसलमान परेशान है और जेल न जाना एक बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी भी धर्म के गुरु को, किसी भी धर्म के महापुरुष को कोई भी अपशब्द नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये गुस्ताख नबी ये नरसिंहानंद बार बार कर रहा है और इसको सरकार की पुष्ट पनाही मिल रही है, इसीलिए कर रहा है। हमारी मांग है, आज तक उस पर गुंडाई की कार्रवाई नहीं हुई, हमारी मांग है उस पर राजद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए और उसको जो है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करके जेल भेजा जाए और सबके साथ एक ही तरह का न्याय हो, दो तरह के न्याय ना हो कि आपके साथ अलग न्याय, हमारे साथ अलग न्याय, ये ना हो। क्या पर्चे आपका? मुझे मोहीउद्दीन एडवोकेट कहते हैं, मैं AIMIM का यहाँ पे जिला अध्यक्ष हूँ।